नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पश्चिम बंगाल से एक और बड़ी खबर इस वक्त पे यह है कि तेजस्वी सूर्या ने एक ट्विटर पे वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में जिन नेताओं का जिक्र किया है उन्होंने, वो दरअसल देर रात को उन लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज करने गए थे जिन्होंने रैली में कहीं ना कहीं बम का इस्तेमाल किया, और इसी के खिलाफ वो वहां पर बीजेपी के जो कुछ नेता जो सांसद थे वो वहां पर जो है FIR दर्ज कराने गए थे थाने में, लेकिन उन्हें वहीं पर बैठा लिया गया। ये देर रात की घटना है। उनके ट्विटर वीडियो को आप सबसे पहले देखिए और उसके बाद हम ये भी आपको बताएंगे कि तेजस्वी सूर्या ने कैसे ये कहा है कि ममता सरकार जो है वो सबसे भ्रष्ट सरकार है। इसके अलावा भी उन्होंने कैसे काला दिन का जिक्र किया वो भी आपको बताएंगे। और ये सब कुछ कब हो रहा था, जब शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन ममता सरकार के खिलाफ वहां पर जो भारतीय जनता युवा मोर्चा के तमाम सदस्य हैं, इस पर जो नेता जुड़े हुए थे, जो सांसद जुड़े हुए थे, वो निश्चित तौर पर जब वहां पर एक शांति से विरोध प्रदर्शन कर रहे थे तो कैसे उनके ऊपर लाठीचार्ज हुआ और कैसे जो बम की खबर निकलकर सामने आई उसके बाद किस तरह से एक FIR कराने जाते हैं, लेकिन FIR पर ममता की जो पुलिस है, दीदी की जो पुलिस है, वो इस पर किसी तरह का कोई एक्शन नहीं लेती है। सबसे पहले ये वीडियो देखिए जो तेजस्वी सूर्या ने ट्विटर पर साझा किया है। तो दरअसल इस वीडियो के बाद हम आपको बता देना चाहते हैं कि ये जो ट्विटर पर वीडियो जो इस वक्त पे भी आप देख रहे हैं, ये ट्विटर पर वीडियो जो उन्होंने ये लिखा है कि इसमें जो है सांसद निशीत प्रमाणिक, ज्योतिर्मय सिंह महतो, ये थाने में गए थे और थाने में उन्हें 2 घंटे तक बैठा कर रखा और आधी रात को पुलिस ने जो है वो शिकायत पर जो है वो जब लगातार इनके ऊपर शिकायत पर जोर दिया जाने लगा कि आप इसको राइट तो कीजिए, कम से कम पेन डाउन तो कीजिए, कहीं ऑफिशियली कुछ हो तो सही कि हम पर बम से हमले की साजिश हुई थी, या लगातार जिस तरह से प्रदर्शन हो रहा है शांतिपूर्ण रूप से प्रदर्शन हो रहा है, लेकिन उसके बाद भी कोलकाता पुलिस जो पश्चिम बंगाल पुलिस है उसके वहां रहने के बावजूद भी इस तरह की चीजें सामने निकल कर आती है। और पुलिस तो खुद खैर हिंसक एक तरह से जिस तरह से लाठीचार्ज किया है उसकी जितनी आलोचना की जाए उतनी कम है। तो ये निश्चित तौर पर उन्होंने ये कहा। उन्होंने ये भी लिखा है अपने ट्विटर पे कि ममताज पुलिस ऑफिसर्स एट जारांस्को, ये दरअसल पुलिस स्टेशन का पूरा का पूरा मामला है, मैन हैंडल 3 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हु हैड गॉन टू फाइल एन FIR। उन्होंने निश्चित तौर पर ममता सरकार पर एक बार फिर इस वीडियो के जरिए अपने ट्वीट के जरिए जो है निशाना साधा है, और इसके बाद ममता की पुलिस को सबक सिखाएंगे ये तक भी कहा गया है। ये लगातार इस तरह की बातें इसलिए कही जा रही है क्योंकि जब आप शांतिपूर्ण रूप से प्रदर्शन कर रहे होते हैं, शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करना हमारे देश के संविधान का हिस्सा है, मतलब आप अपनी बात को रख सकते हैं निश्चित तौर पर, ये एक ऐसा राइट है जो हर हिंदुस्तानी के पास है। ऐसे में जब पश्चिम बंगाल में जब आप इस तरह का प्रदर्शन कर रहे हो तो फिर पुलिस पहले तो आपको आपके साथ कोऑपरेट इस तरह से नहीं करती है कि आपके ऊपर बम से हमले की साजिश हो रही है वहां पे, इसके बारे में पुलिस को कुछ नहीं पता रहता है। जब आप FIR कराने जाते हैं तो वहीं पर 3 सांसदों को बैठा दिया जाता है, बताइए, रात के 2-2 बजे तक उनके कहने पर किसी तरह की कोई FIR नहीं हो रही है। तो ये सारी की सारी चीजें, इसी वजह से ये सारे के सारे बयान अब सामने निकल कर आ रहे हैं। वैसे गुरुवार को तेजस्वी सूर्या ने यह भी कहा था कि आज एक काला दिन है, लोकतंत्र और कानून के संवैधानिक शासन की ममता सरकार ने दिन दहाड़े हत्या की है। तो वो लगातार ममता बनर्जी को अलग अलग मसलों पर घेर रहे हैं, लेकिन फिलहाल जो सबसे बड़ी बात है देखने वाली वो ये कि अब यहां से ये जो टसल शुरू हो चुका है, क्योंकि अब चुनाव आपको पता है 8 महीने दूर है, तो ऐसे में बीजेपी ने अपनी तरफ से भारतीय जनता युवा मोर्चा की तरफ से एक आगाज करने की कोशिश की है, क्या ममता सरकार इस पूरे के पूरे जो विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, जिस तरह की चीजें सामने निकल कर आ रही हैं, जिस तरह से हत्याएं हो रही हैं, क्या इनको लेकर के बैकफुट पर जाएगी। इस वक्त पे ममता सरकार बैकफुट पर है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बहुत बहुत शुक्रिया।